है, याद तो बहुत आती है, बहुत ज्यादा आती है, लेकिन किसी के सोचने से कुछ नहीं होता। जो आपकी किस्मत में है, जो भगवान ने सोचा है, वही होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं ठीक हूँ अभी, और मैं जैसे कि मायके थी सभी को पता है, और अभी मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली थी। मेरी दादी सास एक्सपायर हो गई हैं और काफ़ी एजिड थी वो, तो इस वजह से हम लोगों को तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा, और मैं अपडेट भी नहीं दे पाई आप लोगों को। कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट 2-3 दिन के बाद डाली थी, और मेरी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं थी। एंड अभी उनके सारे काम हो गए हैं, और मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो डाली है बट सावित्री की और मेकअप की, वो पुरानी वीडियो है, बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो जो भी वीडियो मैं डाल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और अपना प्यार दें, जैसे और वीडियो पे दिया है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और लाइफ में अपडेट होते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम आते रहते हैं। तो अभी काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो बना नहीं पाई थी, क्योंकि घर पे ऐसा माहौल था, वीडियो नहीं बना सकती थी, और ये वीडियो मैं डाल भी नहीं सकती थी इस वजह से। और दादी सास मेरी एक्सपायर हो गई, उसका सभी को दुख है, मुझे भी है, क्योंकि मैं उनके पास रहती थी बहुत ज़्यादा। वो मेरे पास रही हैं क्योंकि मैं घर पे ही रहती थी, और मेरी सास और ससुर जी बाहर रहते हैं जॉब की वजह से। तो मैं अभी, मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं बाहर गई हुई थी, मतलब अपने मायके चली गई थी थोड़े दिन के लिए रहने के लिए। और फिर मेरे पास खबर आती है, तो फिर हम लोग भाग के आए यहाँ पे घर पे। तो वो काफ़ी एजिड थी, 70-80 साल की थी, और बहुत सारा सब कुछ उन्हें देख लिया था, बस वो एजिड थी, इस वजह से वो हम लोगों को छोड़ के चली गई हैं अभी। और आज उनकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही, क्योंकि घर से सभी लोग जा चुके हैं, और मतलब काम सभी लोगों को करना होता है, कब तक बैठ सकते हैं। और YouTube पे भी मैं काम करती हूँ एक तरीके से, इसलिए मैं भी वीडियो डालूंगी। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये वीडियो अभी भी बना रही हैं या क्या कर रही हैं, तो ये मेरा काम है, कोई काम नहीं छोड़ देता। अभी सभी लोग घर से भी जा चुके, छुट्टी जितने दिन की हो गई, अभी मेरा कोई ऐसा वर्क तो नहीं है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग जब काम करते हैं तो उस पर कंटिन्यू हम लोगों को एक्टिव रहना पड़ता है, किसी वजह से नहीं, थोड़े दिन रहते हैं फिर हम लोगों को वापस वही काम करना पड़ता है। तो अभी वीडियो अच्छी अच्छी आएंगी, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ। वो आप लोग वीडियो देख के बताएं, कमेंट करें, और कमेंट ये ज़रूर करें किस टाइप की वीडियो आप लोग देखना पसंद करेंगे, मैं पॉसिबल होगा तो बनाऊंगी। और भी मुझे बहुत सारी बात करनी थी, जैसे कि YouTube पे आना आना बहुत इजी है, लेकिन YouTube पे वर्क करना बहुत कठिन है, क्योंकि YouTube पे आप बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। तो पीछे जो YouTube की लाइफ है वो अलग होती है, और YouTube पे हम लोग को जब आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सोचनी समझनी पड़ती हैं। तो काफ़ी कमेंट आते हैं, निगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, तो निगेटिव कमेंट मैं पढ़ती नहीं हूँ। कभी कभी कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा ख़राब लगता है, कि मेरा काम है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं टाइम निकाल रही हूँ, मैं, मेरी फैमिली कुछ भी कह सकती है, ये जो बाहर के लोग होते हैं इनको क्या मतलब है बोलने का, वो नहीं बोल सकते। और मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं करूँगी। आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो देखिए, नहीं लग रहा है तो मत देखिए। आपको ये राइट नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलें या मेरे वीडियो के बारे में बोलें, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप मत देखिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो देखिए। बाकी कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि इतने ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, तो अभी मैं ज़्यादा बहुत अच्छी वीडियो इसी वजह से नहीं बना रही थी, इसीलिए मैंने ये कि छोटा सा वीडियो बनाया है, और छत पे मैं बैठी हूँ इसलिए कि आपको अच्छे से मेरी आवाज़ सुनाई पड़े। गर्मी बहुत ज़्यादा है नीचे, कूलर पंखा और ये सब चीज़ चलती हैं, तो आवाज़ इतने अच्छे से नहीं आएगी। तो जो लोग कमेंट करने में टाइम नहीं लगता है, एक बार वर्क करके देखो यूट्यूब पे, तब पता चलेगा वीडियो कितनी मुश्किल से बनती है और कितनी मुश्किल से उसको हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं। पहले में हम लोग वीडियो बनाते हैं, पूरा चेक करते हैं, और कितने सारे रूल्स और ये सब चीज़ें फॉलो करके वीडियो डालनी पड़ती है, इतना ईजी नहीं है। अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप काम करिए उसके ऊपर, और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि इजी है या नहीं है। और फैमिली में रहना, शादी के बाद वीडियो बनाना, ये सब चीज़ें मुश्किल, मेरी फैमिली एग्री है, तो बाकी लोगों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है। तो बस यही सब चीज़ें मुझे बोलनी थी, बाकी मैं यहाँ रो के या वो करके नहीं दिखाऊंगी। बहुत से लोग की दादी सास खत्म हो गई, इनको कुछ वो नहीं है, तो रोने से क्या होगा, जिसको जाना था, और वो बहुत अच्छी तरह से गई हैं, सब कुछ देख के गई हैं,
तो मैं क्यों रोऊं, क्योंकि दुख तो लगता है, क्योंकि वो बहुत पास थी मेरे, दुख मुझे भी लगता है, लेकिन हर चीज किसी को बताने से वो नहीं होता। मैं शो नहीं करती हूँ कि हाँ मैंने बहुत उनका किया, या मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं अब क्या करूँगी कैसे करूँगी। किसी के जाने से लाइफ नहीं रुकती है, लाइफ चलती है, सब अपने अपने काम पे चले गए हैं। मैं भी अपना काम करूँगी और वीडियो बनाऊँगी, और जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बस एक टारगेट है, मुझे जो करना है वो मैं कहूँगी, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो, लोग जानते हैं कि ये ऐसा कर रही हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और उसमें से 4-5 लोग कुछ ऐसे होते हैं, मतलब 50% लोग ऐसे होते हैं जो आपको निगेटिव करेंगे, 50% लोग ऐसे होते हैं जो आपको पॉजिटिव करेंगे। अब इस वाले वीडियो में भी लोग लिखेंगे कि पूरा वीडियो बेकार था, ये किया वो किया, लेकिन कुछ जो अच्छे लोग हैं प्लीज़ वो लोग कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो। ये चीज़ मैंने बस इसलिए बताई कि आप लोगों को अपडेट रहे, और बाकी जो मेरे लिए निगेटिव है, जो मेरा बुरा सोचते हैं बहुत से लोग, वो ध्यान से सुन लें। किसी के सोचने से कुछ नहीं होता है, किसी के सोचने से कुछ नहीं होता है। जो आपकी किस्मत में है, जो भगवान ने सोचा है, वही होगा। सिर्फ हम अपना कर्म करते हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं अपना अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पाने के लिए, तो वो मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद अगर किसी को ये चीज़ गलत लगती है तो लगती रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो वो मुझे पता है, मैं कैसी हूँ वो मेरी फैमिली को पता है, मैं क्या कर रही हूँ वो मुझे पता है, तो बस इससे ज़्यादा मैं और भी कुछ नहीं बता सकती हूँ। बाकी जो इधर उधर के लोग होते हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, उनको क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ देखनी है, अपनी फैमिली देखनी है, बस मैं वहीं तक फैमिली देखती हूँ जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, मैं कर सकती हूँ बस। तो मुझे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को थैंक यू सो मच यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए जिससे मुझे और ज़्यादा शक्ति मिले, एनर्जी मिले आगे वीडियो बनाने की, क्योंकि वीडियो बनाने का मूड तब होता है जब वीडियो पे व्यू अच्छे आते हैं, आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं, तो और वीडियो बनाने का मन करता है। मैंने इतने मेहनत से वीडियो डाली थी लेकिन व्यू उतने अच्छे नहीं आए, व्यू आए, कमेंट भी आए, आप लोगों का सपोर्ट है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं उतनी अच्छी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। किसी प्लेटफॉर्म पे कोई आता है तो कुछ ना कुछ पाने के लिए आता है, मैं भी आई हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं तो भी कुछ भी नहीं हूँ, थोड़े ही दिन से मेरा YouTube चला है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, या फिर मेरी Instagram ID है मनु ज्योति ब्लॉग, वहाँ पे आप मुझसे चैट कर सकते हैं, चैटिंग। वहाँ बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं, तभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करने में क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, और जो अच्छे कमेंट करते हैं उन लोगों को दिल से शुक्रिया। और बाकी और भी कोई चीज़ हो जो आपको लग रहा हो पूछें, बाकी बस अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। आज मेरी सासू माँ भी चली गई हैं, मतलब वो पापा जी के पास, तो आज बिल्कुल घर खाली खाली लग रहा, पूरा घर खाली, क्योंकि दादी लेटी रहती थी कभी, वो मतलब टाइम टू टाइम अपना काम बताती थी, चाय बनानी है, खाना बनाना है, बहू उठना है, अभी ये करना वो करना, मैं अगर किसी काम में बिजी हूँ तो वो टाइम के अकॉर्डिंग बता देती थी, तो वो सब चीज़ें नहीं हो रही, तो आज बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि घर में बूढ़े बाढ़े लोग होते हैं, वो बैठे ही सिर्फ रहते हैं, लेकिन उनके बैठने से ही बहुत अच्छा लगता है। अब बिल्कुल ना बाहर अच्छा लग रहा है ना अंदर अच्छा लग रहा है, अंदर आओ तो भी अम्मा नहीं है, अम्मा मैं कहती थी उनसे, और बाहर जाओ तो भी अम्मा नहीं है। बाकी रात में मैं जब भी आती थी इधर अंदर कमरे में तो अम्मा देखने के लिए मिलती थी, वो भी नहीं है, और जब छत पे जाती थी शाम को तो अम्मा से बोल के जाती थी, तो वो भी आज बहुत मिस करूंगी। शाम हो गई, छत पे आई तो अम्मा से बोल देती थी मैं छत पे जा रही हूँ, कोई कुछ बोलना हो तो तेज बोलना मैं सुन लूंगी, तो वो सब चीज़ें हैं। याद तो बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, उन्हें जाना था, और लास्ट टाइम में मैं उनके पास नहीं थी, बस ये बहुत बड़ा कष्ट है मुझे कि मैं हमेशा उनके पास रही हूँ, उनकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। और क्या, अब दादी तो मेरी चली गई है। बाकी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट अच्छा करना जिससे मैं आगे अच्छी वीडियो बनाऊँ, अपडेट करूँ। और बाकी अभी घर में सब नॉर्मल हो गया है, और अम्मा जी के जो काम थे वो सारे बहुत अच्छे से हो गए हैं, क्योंकि अम्मा जी सभी के लिए अच्छी थी और किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बातें बताती थी,
मुझे सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूजा पाठ की रीति रिवाज की वो मुझे दादी सास ने ही बताई हैं, क्योंकि वो मेरे पास रहती थी और मैं कोई भी पूजा पाठ सासू माँ भी मेरी बताती थी, लेकिन वो मेरे पास सामने रहती थी तो अगर मुझे कुछ गलत करती थी वो तुरंत टोक देती थी, बता देती थी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उनने सिखाई हैं और हर जगह उनको मिस करती हूँ। बट सावित्री की पूजा करके आई, घर पे आती थी तो दादी जी के चरण स्पर्श करती थी तो बहुत अच्छा सा आशीर्वाद देती थी। और अभी मंदिर में जब मैं गई तो दादी बाबा की फ़ोटो देख के बहुत रोना आया, दादी की फ़ोटो देख के। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ आपको, तो बहुत मिस करती हूँ। बस मैं अपने अंदर की चीज़ें दिखा नहीं पाती हूँ, सिर्फ अंदर ही रखती हूँ। तो इतना तब भी मैंने बहुत कुछ बता दिया यहाँ पे। तो बस इस वीडियो को एंड करती हूँ, और अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक इसलिए कर लें जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कैसे वीडियो आपको देखने हैं वो बताइएगा। बस अभी फूड चैलेंज की वीडियो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा अभी मेडिसिन की वजह से थोड़ा डाइट नॉर्मल चल रहा है, मैं हर चीज़ नहीं खा सकती हूँ इस वजह से। बाकी हर तरीके की वीडियो मैं बना सकती हूँ। और बस इस वीडियो को एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए आप लोग अपना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। और अभी मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, और मैं छत पे आई थी अभी, बाकी छत पे भी अच्छा हो गया है मौसम। तो बस इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, कैसी लगी है ये आप बताइएगा कमेंट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, बाय।